देख रहे हैं CN24। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने गोरखनाथ थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SSP ने गोरखनाथ थाने के पूरे परिसर को देखा और परिसर में विभिन्न मुकदमों में लंबित पड़ी गाड़ियों को गोरखनाथ थाना परिसर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गोरखनाथ थाने का निरीक्षण करके नया प्रपोजल भेजा जाएगा, जिसके तहत यहां पर नई बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू हुआ। थाने की बाउंड्री टूट गई है, कुछ बिल्डिंग यहां पे पुरानी हैं, जिन्हें ध्वस्त करके नया बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल भेजा जाएगा। प्रपोजल के अनुमोदन के बाद नए थाने का निर्माण किया जाएगा। देखिए, ये थाना गोरखनाथ का परिसर का भ्रमण किया गया है, इसमें नया प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है, जिसमें थाने को नई बिल्डिंग बनाई जा सके, क्योंकि इसकी कुछ बाउंड्री टूट गई है जो सड़क का चौरीकरण हुआ उसके बाद में, और कुछ बिल्डिंग इसमें पुरानी भी है, तो उनका ध्वस्तीकरण करके और नया प्रपोजल भेजा जा रहा है थाने का, और उस प्रपोजल के अनुमोदन के बाद यहाँ नया थाने का निर्माण कराया जा सकेगा। फिलहाल PWD ने 21 करोड़ की लागत से 2 बहुमंजिली इमारत का प्रपोजल तैयार किया है, जिसमें पार्किंग, प्रशासनिक कार्यालय, मालखाना, आवासीय बैरक और डोमेट्रिक सहित लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध होगी।